बॉलीवुड में नेपोटिज्म, यानी आसान शब्दों में कहें तो भाई भतीजे वाला सिस्टम दर्शकों ने नहीं बल्कि खुद बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार्स ने ही इसे लाइमलाइट्स और दर्शकों की नजरों में डाला है। अब मुझे नहीं लगता कि मुझे नेपोटिज्म से आगे आए स्टार किड्स सेलिब्रिटीज के नाम लेने की जरूरत है, क्योंकि हर तीसरा बॉलीवुड स्टार्स आपको नेपो किड ही मिलेगा। अब डायरेक्ट मुद्दे पर आते हैं। चलो मान लिया आपके पास एक्टिंग का टैलेंट है और आप अपने बाप चाचा फलाना फलाना के भरोसे आगे आ गए, लेकिन अब इन्हीं लोगों को खुद पर इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि इन्हें लगता है कि ये हर चीज में माहिर है और बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ ये अपने सो कॉल्ड टैलेंट को पेश करने में बिल्कुल नहीं शर्माते हैं। चलिए अब आपको उन सेलिब्रिटीज से रूबरू कराते हैं जिन्हें एक्टिंग के करियर में सफलता तो मिल गई, लेकिन जब उन्होंने सिंगिंग की दुनिया में कदम रखा तो खुद का रोस्ट तो करवाया ही, लेकिन टैलेंटेड सिंगर्स और अच्छे खासे गानों की धज्जियां भी उड़ा डाली। चलिए पहले नजर डालते हैं महेश भट्ट की बेटी यानी कि आलिया भट्ट पर। आए तो आया मुझे यार, गली में अचानक निकला, जाने कितने दिनों के बाद, गली में अचानक निकला, जाने कितने दिनों के बाद, गली में अचानक निकला, गली में अचानक निकला। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। अगर आपको इनका गाना बेहद प्यारा लगा तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी भड़ास निकाल सकते हैं। ये तो कुछ भी नहीं, ये तो बस ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। उप्स, टैलेंट अभी बाकी है। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। वहीं आपको बताते चले कि आलिया भट्ट ने अपनी फिल्म हम्प्टी शर्मा के दुल्हनिया का गाना मैं तेनु समझावा की, मैं तेनु समझावा की ना तेरे बिना लगदा जी, तू की जाने प्यार मेरा, मैं करूं इंतजार और तेरा, तू दिल तू यू जान मेरी, मैं तेनु समझावा की। और सुन मेरे हम सफर भी गाया है। मेरे हम सफर क्या तुझे इतनी सी भी खबर, एक कुड़ी जिदा नाम मोहब्बत है, एक कुड़ी जिदा नाम मोहब्बत, तुमसे ही जैसे गाने गाए हैं, तुमसे ही बस तुमसे ही मेरी जान है। Oh my God! अब बात करते हैं जरा बॉलीवुड की नई नवेली दुल्हन यानी परिणीति चोपड़ा की, जिन्होंने ना तो फिल्मी दुनिया में कुछ खास किया और ना ही सिंगिंग में, लेकिन कई दर्शकों को इनकी सिंगिंग का टैलेंट काफी पसंद आता है। जरा इनको भी एक बार सुन लेते हैं। रुको जरा। तू ही रे तेरे बिना मैं कैसे जीऊं, आजा रे यूं ही तड़पाना तू मुझको। वो तो इनकी इज्जत ऑटो ट्यून ने बचा रखी है, वरना देश के होनहार सिंगर्स कहीं बैठे कोने में रो रहे होते। बॉलीवुड का सोना यानी कि सोनाक्षी सिन्हा, इनकी आवाज तो आपने जरूर सुनी होगी। Once more. इन्होंने अपना म्यूजिक एल्बम इश्कहोलिक में अपनी आवाज जनता तक पहुंचाई थी। इसके बाद इन्होंने बादशाह के साथ मूवी और लक बेबे का गाना गाया था, और उसके बाद जो गाया वो जरा देखिए। नहीं कहां से आते हैं। अब जरा इंडियन टेलीविजन की नागिन की बात करें यानी कि मौनी रॉय, जिन्होंने अपना जलवा तो ऑलरेडी बिखेरा हुआ है और अपनी प्लास्टिक सर्जरी की खूबसूरती के कारण लोगों के दिलों में भी बस चुकी है। समझ रहे हो आप? हालांकि वो अलग बात है कि सिंगिंग से ज्यादा लोग सिर्फ इन्हें ही देखकर वीडियो लाइक करके चले जाते हैं। बड़ा हरामी हो बेटा। ये लड़का हाय अल्लाह कैसा है दीवाना, वाह कितना मुश्किल है तौबा इसको समझाना, के धीरे धीरे दिल बेकरार होता है, होते 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 प्यार होता है। हो वैसे मानना पड़ेगा बॉलीवुड में सिर्फ एक्टर्स ही नहीं बल्कि आर्टिस्ट भी अच्छी एक्टिंग कर लेते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं सल्लू भाई की तरफ।
स्वागत तो करो हमारा, जिन्होंने कि मैं हूँ हीरो तेरा, मैं हूँ हीरो तेरा, जग घूमया थारे जैसा न कोई, मतलब इन्होंने तो ढिंचक पूजा को भी टक्कर दे दी। सेल्फी मैंने ले लिया, सेल्फी मैंने ले लिया, सर पे मेरे रहता ताज, सेल्फी मैंने ले लिया, पैसा बर्बाद। मतलब इनको अब ये तो नहीं कह सकते कि आप मुंबई आ रहे हो। फिलहाल ऐसे कई सेलेब्स हैं, आपको इनमें से किसका सॉन्ग बेस्ट लगा ये वीडियो देखें और जरा बताएं। हम मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा चल। ना जिया जिंदगी एक पल भी, तुझसे होके जुदा, सुन जरा बिन तेरे मुझसे नाराज था दिल। वाह क्या बात है, तू मिला है तो है कह रहा, दैन भी मेरा दर्द भी मेरी आशिकी अब तुम ही हो। जब तक तुझे प्यार से बेइंतहा मैं भर न दूं, जब तक मैं दुआओं सा सौ दफा तुझे पढ़ न लूं, हाँ मेरे पास तुम रहो। अब दोस्तों आप कितने पॉइंट्स देंगे इन टैलेंटेड लोगों को इनके सिंगिंग के टैलेंट पर? इंडस्ट्री में प्रोफेशनल सिंगर्स की कमी नहीं है, लेकिन ना जाने क्यों ये एक्टर्स उन सिंगर्स की जगह लेकर खुद को रोस्ट करवा रहे हैं। अकेले अकेले मजे नहीं लेने दूंगा, मुझे भी चाहिए। मेनली इस वीडियो का पर्पस ये था कि जिस चीज में आप परफेक्ट हो उसे वही करना चाहिए, इसलिए इनकी वीडियो देखकर मैनिपुलेट बिल्कुल ना हुई। सब ऑटो ट्यून का कमाल है एंड सपोर्ट ओनली ट्रू आर्टिस्ट। तो चलिए दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, मिलते रहेंगे अगले वीडियो में, देखते रहिए द न्यूज 15। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। इसी के साथ मैं सुम्बिका लेती हूँ आपसे अलविदा।